हमारी केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री के बारे में आई थिंक हम ऑडियंसेस पे छोड़ते हैं, व्यूअर्स पे छोड़ते हैं। आप लोगों ने अभी अभी वीडियो देखा तो आप लोगों का फीडबैक देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत एनकरेजिंग लगा, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वी आर कॉन्फिडेंट कि व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा लगेगा। केमिस्ट्री उन पर छोड़ देते हैं, वो देखेंगे एंड वही हमें फीडबैक देंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम अपना बेस्ट दें एंड ट्रस्ट मी हमने अपना बेस्ट दिया है, बहुत मेहनत की है, बहुत ही पैशनेटली यू नो काम किया है, इस वीडियो में शूट किया है, तो बाकी सब कुछ ऑडियंसेस के हाथ में। ऑडियंस इज द किंग, ऑडियंस इज द किंग, दैट्स ट्रू। एंड या आई वुड लाइक टू जस्ट से द सेम कि हमने बहुत मेहनत करी है। आई थिंक हम पहले भी बता ही चुके हैं कि एक दिन में हमने वो पूरा डांस सीक्वेंस रिहर्स किया था, एंड देयर वर 3 सीक्वेंसेस विच वी रिहर्स्ड। सो अब आप सोच ही सकते हैं कि वो कंटेम्प्रेरी सीखने में, लिप्स करने में, मतलब क्या जान गई थी हम लोगों की, ओनली वी नो। बट वी आर वेरी हैप्पी दैट वी कैन क्रिएट समथिंग सो नाइस, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर लाइकिंग इट। लाइक वी आर, आई एम ऑलरेडी रिसीविंग द रिस्पॉन्स एंड इट्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। केमिस्ट्री के बारे में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जब हम शूट कर रहे थे ना, शूट से पहले एक दिन हमने रिहर्स किया, तो पूरा दिन हमने रिहर्स किया। सो उसमें मुझे यू नो काफ़ी डांसिंग है, काफ़ी स्टंट्स है, लिफ्ट्स है, तो अच्छी चीज़ें बतानी है, अच्छी चीज़ें बतानी है। वहाँ से केमिस्ट्री बिल्ड हुई ना। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चोट लग गई मेरी वजह से, आई एम सो सॉरी। एक पंच लगा, एक थप्पड़ पड़ा, एक थप्पड़, बस एक थप्पड़। तो वहाँ से केमिस्ट्री बिल्ड हो गई। आई बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रॉम डे वन टिल डे फोर्थ इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। दैट वॉज एन एक्ट, एक बार भी नहीं गिराया। वो एक्चुअली वो सीन की रिक्वायरमेंट थी कि मैं इतना डिस्टर्ब हूँ, मैं इतना डिस्टर्ब हूँ सिनेरियो से, सिचुएशन से, उस सर्कमस्टेंस ऐसी थी कि मेरे सामने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ जा रही है और उसे और म्यूजिक वीडियो में क्या होता है, डायलॉग नहीं होते राइट, ज़्यादातर डायलॉग नहीं होते हैं, आपको आँखों से और एक्सप्रेशन से इमोट करना होता है, फेस से इमोट करना होता है, बॉडी लैंग्वेज से इमोट करना है। तो मेरा वही था, वही मेरा यू नो ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। ओ माय गॉड के बाद मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डांस करना है, तो वो वैसी सर्कमस्टेंस थी, ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो गिर जाती है। सो दैट वाज एन एक्ट, इन्होंने मुझे कभी नहीं गिराया, रिहर्सल में भी नहीं गिराया। दैट इज द रीजन वी कुड डू सो मेनी लिफ्ट्स एंड आई ट्रस्टेड हिम। लाइक हमने कुछ स्टांसेस भी किए थे प्रैक्टिस, तो वो ऐसे थे कि मैं गिर भी सकती थी, चोट भी लग सकती थी, बट आई ट्रस्टेड हिम, इट जस्ट केम इजी, ही इज अ गुड पर्सन। संजय जी, यू नो जब आपके बारे में आपके दोस्त आके कहते यार तेरे बारे में बड़ी बातें हो रही है कि शादी कब करेगा, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा, यार मतलब बहुत सारी बातें जब होती है कि दोस्त आके कहते हैं यार तेरे बारे में बहुत बातें हो रही है, इसका शादी तो कुछ क्या यार पता। बातें तो यार होती रहेंगी, आई थिंक शादी से पहले भी होती है, शादी के बाद भी होती है, बट पूनम मेरी फियांसे है, 2018 फरवरी से हम लोग एंगेज है एंड विद गॉड्स ग्रेस हम लोग बहुत खुश हैं। वो भी आती होगी 10 मिनट में, तो जब वो मेरे साथ यहाँ बैठेगी तो आपको पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश है एंड बहुत जल्द हम लोग डेट भी रिवील करने वाले हैं। यस 2021 में, ये मैं अभी आपको एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव कि इसी साल शादी हो जाएगी ऐसा? नहीं मतलब शादी नहीं हो रही है, आई थिंक वो बहुत टाइम लगा दिया ना हमने, इसलिए तो लोगों को शक हो गया। कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट में सबका शक जो है वो नहीं, पृथ्वी सिर्फ ऑन स्क्रीन ही यू नो, ये पृथ्वी का पी भी नहीं है, लेट मी क्लियर दैट यू गाइस। मतलब आई या माय रिएक्शन टू हिम, मतलब आई हैव टोल्ड हिम दिस कि यार इन रियल लाइफ यू आर समबडी एल्स, मतलब एज एन एक्टर यू ना जो पृथ्वी प्ले करते हैं। देखिए
मैं बहुत टाइम से कुछ ऐसा करना चाहता था बिकॉज यू नो मैं हमेशा से मेरा ये मानना था कि मैं टाइप कास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने कुंडली भाग्य का शूट स्टार्ट किया था उसी वक्त से मुझे ये फीडबैक मिलता रहा है कि आप विलन की तरह नहीं लगते हो, बट फिर भी ऑडियंसेस ने यू नो एक्सेप्ट किया, बहुत प्यार दिया, टैग दिया विलन हीरो, विलन हीरो। तो मेरे लिए ये जो पूरी जर्नी है 4,000 एपिसोड की, वो बहुत ही सरप्राइजिंग रही है, बहुत ही मैजिकल रही है। मतलब हर दिन मुझे शॉक पे शॉक मिलता जाता है, ऑडियंसेस मुझे शॉक करते हैं रिएक्शन से। सो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो पृथ्वी से अलग है, कुछ ऐसा करूँ जिसमें मैं पृथ्वी दिखूँ ना, पृथ्वी का पी भी ना हो। तो जो लोगों का ये मानना था कि ये सिर्फ एक विलन नहीं है, ये एक हीरो का रोल भी कर सकता है, ये मेरी तरफ से उनको गिफ्ट है तेरे बारे में। गिरती है गिराती है मतलब गाने में गिरती है गिराती, थप्पड़ मार दी है, पंच मार दी है और फीट पे लैंडिंग कर दिया। मैं दिस इज ओह नो 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 यार, गांधारी कुछ अलग ही था और ये कुछ अलग ही है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस स्टिल बिकॉज लोगों ने मुझे हमेशा हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल शोज में देखा है, सो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा मौका था टू शो माई रियल सेल्फ, यू नो माई प्रेजेंट सेल्फ थोड़ा। एंड आई ट्राइड कि हालांकि मेरा कैरेक्टर नेगेटिव है बिकॉज मैंने बेचारे का दिल तोड़ा है, बट आई ट्राइड कि जहाँ पे इनके साथ जेन्युइन मोमेंट्स थे यू कुड सी द जेन्युइन साइड ऑफ दैट कैरेक्टर। एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टोरी, माई कैरेक्टर हैड माई ओन स्टोरी, वाई डिड आई मूव ऑन, वाई डिड आई ब्रेक हिज हार्ट, बट माई होल पॉइंट वॉज कि ये मॉडर्न महाभारत, मॉडर्न गांधारी नहीं है, ये रिया का एक किरदार है गांधारी। तो खैर मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज 4 साल से मैं लोगों का दिल तोड़ता आ रहा हूँ और फाइनली मेरा दिल टूट गया। तो तेरे बारे एक ऐसा सॉन्ग है जो हर कोई रिलेट करेगा, हर कोई गाएगा, हर कोई हर किसी को डेडिकेट कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड को। तेरे बारे कोई किसी के लिए भी गा सकता है, कहीं भी यू नो इस गाने को बजा सकता है, एंड बहुत ही प्यारा सा सूदिंग हार्ट ब्रेक रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हिंदी पंजाबी एंड रैप, यू नो यू विल इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आई जस्ट विश एंड होप कि ऑडियंस को पसंद आए। You will listen to this song and I have been to a time where I was listening to the song and it was soothing, it was nice, it was a good feel, but actually it's a heartbreak song. After a while it changed, the song changed for me, and one night I was listening to it and I was like yaar mujhe thoda upset feel ho raha hai. So this song has its own magic, shayad aap usko jitni baar sunoge it'll have its basically ye to song hai ye इसका दिल टूटा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं तो पूरा गाना ही गा सकता हूँ। बट जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है सॉन्ग का, वो जो एंडिंग जो क्लाइमेक्स है आपने देखा होगा वो वाला, ना कोशिश वे तू कितनी ना मुड़ के सानू तकिया, मैं फिर भी अपने दिल विच यादा नू सान के रखिया, दिल मेरा टूटा जैसे हो तारे, हर कोई पूछे मुझसे तेरे बारे।